5 जून को दुनिया पर्यावरण दिवस के रूप में मनाती है। वहीं इसी को लेकर हम आज एक ऐसे शख्सियत से मिलवाते हैं जिन्होंने शुरुआत से ही पर्यावरण को लेकर उनके दिल में प्रेम था और लोगों को भी पर्यावरण के प्रति काफी जागरूक किया है। ऐसे ही शख्सियत हैं बिशनगढ़ निवासी कल्याण सिंह पड़िया। हम उनसे बात मिलते हैं। जी कल्याण सिंह जी, बताएं आपको ये पर्यावरण के प्रति जो प्रेम है वो कैसे जगा और आपके मन में ऐसा क्या आया था पहले? मैंने शुरू से जिस टाइम मैं स्कूल में पढ़ाई करता था उस टाइम से मेरे को शौक था पौधा लगाने का। मैंने घर पे भी बहुत सारे पौधे लगाए, मैंने दुकान के पीछे वहाँ भी मैंने बहुत सारे पौधे लगाए और शुरू से शौक रहा है मैंने सारी स्कूलों में पौधे भेंट किए हैं। हर स्कूल में पौधे छोटे बड़े पौधे पे घर पे ही तैयार करता हूँ और स्कूलों में बांटता हूँ। बस अभी आपने यह फॉर्म हाउस पर कितने पौधे लगाए और किस किस प्रजाति के पौधे लगाए? मैंने पौधे तो यहाँ तो कम से कम 4000 पौधे है, लेकिन 200 प्रजाति के पौधे है जिसमें केले हैं, आम है, चीकू है, पाइनएप्पल है, अनार है, खजूर है और भी काफी सारे है, पाइनएप्पल, सीताफल। इन पौधों की देखरेख आप खुद करते हैं क्या? हाँ, मैं खुद करता हूँ। अच्छा, इसके अलावा आपको पशु पालन और पक्षी पालन के भी प्रति प्रेम दिख रहा है? शौक है मेरे पास में, बहुत सारे पक्षी भी है, घोड़े भी है और डॉग भी है, उसमें ट्रक की मुर्गे है, चीनी मुर्गे है, बटेर है, खरगोश है, कश्मीरी खरगोश है, सफेद कबूतर है और ट्रक की मुर्गे हैं, कड़कनाथ मुर्गे हैं, जंगली मुर्गे हैं, बहुत सारे जानवर हैं। तो आज पर्यावरण दिवस है, पर्यावरण दिवस के अवसर पर आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा, जहाँ भी मेरे घर में छोटा मोटा कोई भी फंक्शन होगा, मैं कोई भी मेहमान के रूप में कोई भी आएंगे उनको पौधा दे के भेजो, घर पे लगाए। ये साथ कल्याण सिंह जी पड़ियार, इन्होंने बताया कि मेरे को शुरुआत से ही पर्यावरण के प्रति प्रेम था और मैं शुरुआत से घर में व विद्यालय में पौधे लगा रहा था। वही मैं युवाओं को भी जागरूक कर रहा हूँ कि आप हर व्यक्ति पौधा लगाए जिससे पर्यावरण बच पाएगा। वही पर्यावरण के साथ साथ इनको पशु व पक्षियों से भी खासा प्रेम है। कैमरामैन देवराज के साथ सुखदेव सिंह राजपुरोहित, फर्स्ट इंडिया न्यूज, सायला।